So hi everyone and a very good evening to all of you. Welcome back once again to the channel. So today I am here to discuss something which is very very important for the upcoming RBI Grade B 2024 examination for all the aspirants who are targeting the 2024 exam. So what is that thing? आपने थंबनेल में देख लिया होगा, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जनरल अवेयरनेस टुडे. सो सिंस 2021 व्हाट इज हैपनिंग इज दैट आरबीआई हैज बीन कंटिन्यूअसली चेंजिंग द पैटर्न इन जीए इन जनरल अवेयरनेस, स्पेसिफिकली इन फेज वन. फेज वन को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से टारगेट किया है एंड दे हैव बीन चेंजिंग द पैटर्न इन द फेज वन. सो 2021 में उन्होंने कुछ रखा, फिर थोड़ा सा चेंज करा 2022 में और फिर कुछ और चेंज करा 2023 में. सो व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट, व्हाट ऑल चेंजेस कैन वी एक्सपेक्ट इन द 2024 एग्जाम, उसके बारे में भी हम आज बात करेंगे, राइट. सो कैसे वो चेंजिंग पैटर्न है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है. एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एक्सपेक्टेड चेंजेस in 2024 exam as well, ठीक है. और कैसे उसको टैकल करना है, that is something which is very important that we are going to discuss today, ठीक है. ज़्यादा नहीं, 10-12 मिनट आपके लूँगा and then अपने अपने घर. सबसे पहले if I talk about the exam of 2021, अगर हम 2021 के पेपर की बात करें तो मैंने अभी 4 parts में divide करा है the topics from where the questions were asked. So static related to current 16 questions were asked, ठीक है. प्योर स्टैटिक 13 क्वेश्चंस वर देयर, करंट अफेयर्स के 43 क्वेश्चंस थे जिनका हमेशा से ही जो वेटेज है वो ज्यादा होता है, और स्कीम से गवर्नमेंट स्कीम से 8 क्वेश्चन थे. एंड दिस वाज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन दे इंट्रोड्यूस्ड स्कीम्स इन फेज वन. सबसे पहली बार था जब उन्होंने फेज वन में स्कीम्स को इंट्रोड्यूस किया था, राइट. इससे पहले बिफोर दिस दे ओनली यूज्ड टू आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम स्कीम इन द फेज टू ईएसआई पेपर. This was for the first time, ठीक है. 8 क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने and that too were not so easy, ठीक है. तो ये था पैटर्न. Now here I would like to draw your attention to this part, static related to current. अब यहाँ पे इन्होंने किस तरीके के क्वेश्चन पूछे थे कि whatever news is there, उसका background से क्वेश्चन, right? They ask question from the background of the current affairs news. For example, I have some questions for you. For in example in 2021 they asked a question from Girnar Ropeway. Where is Girnar Ropeway situated? Okay. For example, BRICS was in news. So they asked, what is the share of BRICS countries in the world trade? Okay. For example, electoral bonds, उन्होंने question पूछा था because electoral bonds was in news, but the question was static, right? Similarly, they asked a question from UPI, but the question was not from the current affairs of UPI. They asked the maximum limit of transaction that can be done by a person through UPI. So this is what I meant when I say static related to current. So ये आपको ध्यान में रखना है whenever you if you are preparing for the 2024 exam. क्या ध्यान में रखना है उसके बारे में भी बात करेंगे, don't worry. फिर इसके बाद इन्होंने 2022 में थोड़ा सा चेंज किया. क्या चेंज किया मैं आपको बताता हूँ. इन्होंने नंबर ऑफ स्कीम्स के नंबर ऑफ क्वेश्चन इन स्कीम्स दे हैव इंक्रीज्ड, और बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन उन्होंने यहाँ पे पूछे, राइट. द लेवल ऑफ क्वेश्चन वर एक्चुअली डिफिकल्ट इन फेज वन फ्रॉम द स्कीम्स, और इसकी वजह से काफी लोगों को एक सरप्राइज और एक शॉक मिला था कि भाई ये क्या हो गया भाई, अभी तक तो कुछ और ही हो रहा था, अब तो एकदम से इन्होंने बहुत फेज टू लेवल के क्वेश्चन उन्होंने यहाँ पे पूछ डाले, ठीक है. करंट अफेयर्स का वेटेज अभी भी 40 था, बट ये भी करंट अफेयर्स भी ऐसे नहीं थे कि हाँ भाई वॉट इज दिस एंड वॉट इज दैट, ऐसा नहीं था. लंबे लंबे क्वेश्चन इन्होंने पूछना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है. स्टैटिक के 16 क्वेश्चन, स्टैटिक के क्वेश्चन बढ़ाए उन्होंने 16, और स्टैटिक रिलेटेड टू करंट अगेन 12 क्वेश्चन इस बार भी इन्होंने पूछे. अब स्टैटिक का मतलब यहाँ पे क्या है, स्टैटिक का मतलब मैं आपको बता देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल स्टैटिक के बहुत सारे एरियाज से उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे, जैसे फेडरल रिजर्व कब एस्टैब्लिश हुआ था, मैं 2022 की बात कर रहा हूँ. सिमिलरली उन्होंने 21 में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, व्हेन वाज फेडरल रिजर्व एस्टैब्लिश्ड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ओनरशिप इन रिजर्व रीजनल रूरल बैंक्स बिटवीन स्टेट सेंटर एंड द स्पॉन्सर्ड बैंक, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड yield and its price, what is the eligibility of a bank customer to be insured under DICGC. So you know they are not only asking the current affairs, they are getting to the general awareness to the static part as well, theek hai. To finance ka inhone static part ke bahut sare questions puche the, iske alawa there were some questions based on SDGs as well, the static part, right. So the point what I want to raise
which the point which I want to raise here is that the number of schemes, the number of questions increased. The questions from finance static, the number of questions from finance static were increased. ठीक है, coming to 2023, फिर 2023 में इन्होंने क्या करा, 2023 में ना इन्होंने एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया सबके सामने इस फॉर्म में, राइट? दे गेव अ वेरी बिग सरप्राइज टू एवरीवन इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंस करंट एंड स्टैटिक, एंड यू कैन सी 30 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम ओनली द फाइनेंस करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय फाइनेंस करंट अफेयर्स हियर? क्वेश्चंस फ्रॉम आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, क्वेश्चंस फ्रॉम मॉनेटरी पॉलिसी रिकमेंडेशंस, questions from RBI website, question from all the releases of RBI website, the questions from the paper which are related to finance, newspapers which are related to finance or economy, right? Jaise Mint ho gaya, Economic Times ho gaya. So jo current affairs tha aur jo static part tha, uska weightage tha 30 questions out of 80 in 2023 exam, and the questions were also not very easy. Question bahut aasan bhi nahi the, because they asked क्वेश्चन फ्रॉम आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, वेरी इनडेप्थ क्वेश्चन फॉर आस्ट, बहुत ज्यादा इनडेप्थ क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे. ठीक है, तो ये था 2023 का पैटर्न. स्कीम्स क्वेश्चन इस बार इन्होंने कम किए, करंट अफेयर्स जो बेसिक करंट अफेयर्स होते हैं उसको उन्होंने कम किया. नाउ एक चीज आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, व्हाट डू आई मीन बाय करंट अफेयर्स हियर? करंट अफेयर्स का मतलब है बजट, इकोनॉमिक सर्वे, स्पोर्ट्स एनुअल, ये आपके जितने भी रिपोर्ट आते हैं, इंडाइसेज एंड रिपोर्ट्स. ठीक है, ये सारा कंस्टिट्यूट ऑफ करंट अफेयर. इंपॉर्टेंट डेज, medals, awards and honors, important personalities, right? National news, international news, defense news, everything is the current affairs. ठीक है, इसके अलावा बाकी सारे topics हैं. So this was the 2023 pattern for, this was the 2023 pattern for RBI Grade B 2023. Now, अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि भाई अब 2024 में क्या होगा, 2024 में क्या हो सकता है, यह आप सोच रहे होंगे. So what to be expected in 2023? क्या करना चाहिए हमें 2024 के लिए? Because क्या करना है, it's very important. इससे in fact I remember a fact which I read yesterday. क्या करना है is very important than क्या बनना है, right? What you want to do is more important than you want to be. For example, सचिन तेंदुलकर को कभी भी गॉड ऑफ क्रिकेट बनना नहीं था, उन्हें इतना पता था कि उनको बस क्रिकेट खेलना है. वो क्रिकेट खेलते गए एंड टुडे वी ऑल नो ही इज द गॉड ऑफ क्रिकेट. सेम गोज विद द ग्रेट APJ अब्दुल कलाम, ही नेवर वांटेड टू बिकम द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, बट वी ऑल नो टुडे ही इज. व्हाई? बिकॉज ही न्यू दैट उनको क्या करना है, राइट? सिमिलरली सेम इज द केस विद द एस्पिरेंट्स. इफ यू वॉन्ट टू बिकम एन ऑफिसर, डोंट थिंक दैट यू वॉन्ट टू बिकम एन ऑफिसर, जस्ट Try to understand, just work on those things कि आपको करना क्या है. जिस दिन आपको ये समझ में आ गया कि आपको ऑफिसर बन के करना क्या है, nobody can stop, even the God will not be able to stop you in becoming to become the officer. Okay, so क्या करना है is very very important. Now अब हमें 2024 के लिए क्या करना है, let's talk about this. सबसे पहले, gone are the days when there were these two terms, phase one current affairs and phase two current affairs. ऐसा कुछ नहीं है. Now करंट अफेयर्स, सबसे पहली चीज क्या है, करंट अफेयर्स है. फेज वन करंट अफेयर जैसा और फेज टू करंट अफेयर जैसा कुछ भी नहीं है. प्लीज अपने दिमाग से बात निकाल दीजिए. तो क्या करना है और कैसे करना है, मैं आपको बताता हूं. देखो, सबसे पहले एक्सपेक्टेड क्या है, एक्सपेक्टेड क्या है 2024 में, कि अब वो कहां पहुंचेंगे. देखो, इफ यू सी द सिलेबस ऑफ आरबीआई, व्हाट इज द सिलेबस, अगर मैं फेज टू की बात करता हूं, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, देन इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, राइट? और अगर हम फेज वन की बात करें तो कहां कहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, वो तो है ही, करंट अफेयर्स है ही, स्टैटिक वाला है ही. मैं अभी स्टैटिक की बात कर रहा हूं. देखो, इन्होंने फाइनेंस से क्वेश्चन पूछ लिए 2023 में बहुत सारे. नाउ देर आर हाई चांसेस दैट दे विल टच द स्टैटिक पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज इन 2024 एग्जाम. नाउ व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हियर can be asked from the static part of ESI. देखो, national income accounting पे question बन सकता है, ठीक है, very genuine question. 1991 economic reforms पे question बन सकता है, very genuine question, right? The growth of Indian economy since independence, उस पे question बन सकता है. The current status of Indian economy, उस पे question बन सकता है, right? So now there are high chances that they are going to touch economic and social issues, and in fact social issues, they have never asked any
objective question either in phase 2 or in phase 1 from the social issue. But there are high chances that they are going to touch social issues as well in 2024 exam. So we need to be prepared accordingly. Now, ab iska matlab kya hua? Iska matlab kya hua? Kya iske liye aapko kuch alag se karna padega kya? Do you have to do anything different for tackling this area? Absolutely no. Absolutely no. You don't have to do anything different from whatever you will be doing to clear this examination. Kaise main aapko bata deta hu? Dekho, there is nothing like प्रिपेरेशन फॉर फेज वन अलग करेंगे हम फेज टू की अलग करेंगे नहीं द डिमांड ऑफ दिस एग्जामिनेशन इज नाउ नाउ इज दैट यू प्रिपेयर यू हैव टू प्रिपेयर फॉर बोथ द फेजेस फेज वन एंड फेज टू साइमल्टेनियसली दोनों का आपको साथ साथ प्रिपरेशन करना पड़ेगा एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ जनरल अवेयरनेस ऑफ फेज वन बिकॉज इन जनरल अवेयरनेस यू हैव सीन इट अभी मैंने आपको बताया इन जनरल अवेयरनेस दे आर टचिंग द एंटायर सिलेबस Right, they are touching the entire syllabus of RBI Grade B, whether it is of phase 1 or phase 2. GA में जब वो finance statics से question पूछ सकते हैं, if they are asking question from finance statics, for example, RRB की ownership, भाई वो तो static का part हुआ ना, for example, relation between world yield and price, ये भी तो finance statics का ही question है. So if they can touch finance statics, उनको कौन रोक रहा है फिर ESI static को touch करने से? क्या आप रोक पाओगे? अगर कल को ESI static का question आता है, तो विल यू काउंटर विल यू यू नो गो टू द एग्जामिनर एंड आप क्या उससे पूछोगे कि आपने फेज वन में कैसे पूछ लिया भाई यू कांट आस्क हिम द सेम क्वेश्चन सो व्हाट आई वांट टू से हियर इज यू नीड टू प्रिपेयर फॉर बोथ द फेजेस नाउ साइमल्टेनियसली एंड वैसे भी देयर इज वेरी लेस टाइम बिटवीन फेज वन एंड फेज टू तो आपको दोनों फेजेस के लिए साइमल्टेनियसली ही पढ़ना होगा फेज वन एग्जाम से पहले आपको अकॉर्डिंगली ही रिविजन करना होगा कि हाँ हमारा फेस टू पेपर ही हम देने जा रहे हैं एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस सब्जेक्ट दैट इज जीए नेक्स्ट ईयर मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि उसमें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे सोशल इश्यूज से रिलेटेड भी पूछे जाएंगे बट लेट्स सी क्या होता है सो इसीलिए बिकॉज ये सिर्फ मेरी एक एक्सपेक्टेशन है ठीक है हो सकता है गलत भी हो जाए आई डोंट नो कि एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा है बट ऑल इन ऑल बात यह है कि हमें एग्जामिनर से एक स्टेप आगे सोचना होगा वी नीड टू थिंक वन स्टेप अहेड वी नीड टू बी वन स्टेप अहेड ऑफ द एग्जामिनर ओनली देन हम एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे ठीक है और वन स्टेप अहेड हम तभी हो सकते हैं व्हेन वी प्रिपेयर फॉर बोथ द फेजेस साइमल्टेनियसली सारा करके चले जाओ ना फेज वन से पहले लेट हिम आस्क एनीथिंग ठीक है ऐसी प्रिपरेशन होनी चाहिए दैट लेट हिम आस्क लेट हिम और हर व्हाटएवर द एग्जाम हूएवर द एग्जामिनर इज लेट हिम आस्क एनीथिंग कुछ भी पूछो फेज वन से पूछो फेज टू से पूछो इंटरव्यू से पूछो जहां मर्जी से पूछो आप सिलेबस पे जहां मर्जी से पूछो मैं आंसर करके आएगा ठीक है इस तरीके की आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए और ऐसे that is all guys which I wanted to discuss today. I hope aap logon ke thode jo gyan ke chakshu hain wo khule honge right I hope the video has opened your eyes to is tarike se aapko preparation karni hai for the 2024 examination and of course the live classes for 2024 batch has already started and mentorship session bhi ho rahe hain isme aur honge aage bhi right डिस्क्रिप्टिव के प्रैक्टिस भी हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं सो इफ यू वांट टू हैव डिटेल्स ऑफ दिस कोर्स यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 9999446225 ऑलराइट तो चलो फिर मिलेंगे अगले किसी सेशन में विद सम मोर क्वेश्चन ऑफ योर्स टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप स्टडिंग हार्ड गुड बाय टेक केयर एंड गॉड ब्लेस